दरस बुखारी का सिलसिला जारी व सारी है और हम दो हज़ार चार सौ नौ नंबर हदीस पाक पर तक पहुँचे थे जो किताबनफिल इसतराज की आखिरी हदीस है इमाम बुखारी ने मुख्त्य चैप्टर्स बनाए उनके रनवाना क़ायम किए हैं तो ये कर्ज़ तलब करने का बाब था जिसकी आखिरी हदीस है इसके बाद फिर वो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा और इसमें हज़रत अब्दुल्ल बिन उमर रदी अल्लाह तनहुमा इसके रावी हैं और वो कहते हैं कि नबी करीम करीमली वसम ने शाद फरमाया कि तुम में से हर शख्स अपने मात पर निगेबान है उसके देखभाल करने वाला है केयर टेकर है और उससे उसके मातहत के बारे में बरोज़ क़्यामत क्वेश्चन होगा एहतसाब होगा इधर मातहत खड़ा होगा इधर हजरत खड़े होंगे और कोशनस होंगे और उनमें हम भी शामिल हैं ये नहीं है कि जब हम आवाम को कह रहे हैं तो आप ही के मसला है, ये तो आलिम भी खड़ा होगा हर मुफ्ती खड़ा होगा हर शेख खड़ा होगा हर हाकिम वो सब जैसे सरकार ने बयान फरमाया अल्लाह तल हमें बस उस हिसाब व किताब से सुरख्र फरमाए फिर सरकार ने तफसील बयान फरमाई कि हाकिम अपनी रियाया पर निगेबान है उससे उसके रियाया के बारे में क्वेश्चन होगा इस पर हमने कलाम कर चुके हैं कि हुकम जितने भी होते हैं जितने लीडर्स होते हैं जिनको हुकूमत मिलती है उनसे रियाया के बारे में क्वेश्चन होगा अगर उनकी मिस मैनेजमेंट की वजह से गलत पॉलिसीज़ की बिना पर या ख़यानतों की बिना पर अवाम दुख में मुबला हुई परेशानियों में मुबला हुई या गुना आम होते चले गए अगर इज़्ज़त वालों को दीनदारों को जलील किया जाता रहा ये सब का हिसाब व किताब वो हुक्मरान देगा और जो भी होंगे हुकूमत के अंदर वो सब के सब खड़े होंगे पूरी आवाम सामने अब आप अंदाज़ा करें मुझे तो नहीं लगता कि जो कौम इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती रही हो वो किसी को छोड़ेगी वो कम अज़ कम उसकी नेकियाँ लेंगे और एक हाकिम के लिए अपनी पूरी रियाया को नेकियां इतनी तो उसने की होंगी कि वो सबको दे दे फिर उस उनकी उनकी बुराइयां इसके नाम अमाल में डाली जाएंगे और जिसकी बुराई निकल गई वो बरी हो जाएगा ये फंसा रहेगा एक बुराई दो बुराई पचास बुराइयाँ सौ बुराइयाँ हज़ार बुराइयाँ आप अंदाज़ा करें कि जितनी बुराई फिर ज़्यादा होंगी उतना ही तवील अरसे जहन्नम में रहने के इम्कान बढ़ेंगे लेकिन ये खुदा नख्वास्त हम फैसला नहीं कर सकते कि हर हाकिम ज़रूर जहन्नम में जाएगा अल्लाह तबारक वाली चाहे तो मज़लूम को ालिम से राज़ी कर दें यह अल्लाह की मशीियत है लेकिन बहरहाल हम इन पॉजिटिव निकात की तरफ़ जाने के बजाय इस हदीस में चूँकि नबी करीम सल्लाम का मकसूद ये है कि लोग डरें खौफ महसूस करें और डे ऑफ जजमेंट के बारे में सोचें कि मरने के बाद बाद कहते हैं जी मरे ये तो गमों से नजात पा गया अरे भाई ग़मों का आगाज़ तो मरने के बाद होता है आपको क्या पता ये यही तो गम दुनिया के बड़े हल्के फुलके हैं असल तो वहाँ की मुसीबत है अगर वहाँ चला गया आदमी गुनाहों समेत करप्शन समेत खराबियों समेत और तोबा की तोफ़ी ना मिली तो शदीद मामला हो सकता है लिहाजा हुकाम जो हाकिम जो हैं उनसे इसके बारे में क्वेश्चन होगा एक तो यही कि उनके अमल से तकलीफ़ पहुँची इसका एहत बुराइयाँ ख़त्म करनी थी क्यों कानून पास नहीं किए अच्छाइयाँ आम करनी थी क्यों नहीं कहीं इनका एहतसाब है